अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना व्लॉगर हमजा जी। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की वीडियो में जी हम गपशप करेंगे और आपको थोड़ा सा मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं अभी रावल डैम चौक में हूं और यहां से पारव्यू का रास्ता किस तरह का है और कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, अभी जो है वो मैंने ये क्रॉस किया है रावल डैम चौक, और रावल डैम चौक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूं जो कि चक शहजाद रोड कहलाती है। बनीकाला भी इसी पे आता है, और अगर आप फैजाबाद से हैं तो मैं रावल डैम चौक से जो है वो राइट हुआ हूं। तो ये साइड पे आप देख सकते हैं नर्सरीज हैं सारी, और बड़ी खूबसूरत पौधे वगैरह यहाँ इन्होंने रखे होते हैं। और रावल डैम चौक में जी फ्लाईओवर का काम जारी है, और ये फ्लाईओवर का काम जैसे ही कंप्लीट हुआ यहाँ पे ट्रैफिक का जो है वो मामूल नॉर्मल हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत रश होता है शाम के टाइम, जब छुट्टी टाइम होता है तो थोड़ा बहुत रश होता है यहाँ पे। तो अभी जी मैं टुवर्ड्स पार्क व्यू सिटी हूँ, और यही रास्ता जो है वो बहरिया इनक्लेव को भी जाता है, और यही रास्ता पारव्यू को भी जाता है। अच्छा जी, मेरे फोन में जी एक और फंक्शन है, वो मुझे थोड़े दिन पहले पता लगा, तो मैंने कहा आज जो है वो इस वीडियो में मैं वो फंक्शन भी यूज करता हूँ। तो एक इस पे ये है कि आप मुझे भी देख सकते हैं और सामने का व्यू भी देख सकते हैं, तो हम जो है वो इस तरह से भी गपशप कर सकते हैं कि मैं आपको सामने का व्यू भी दिखाऊं और अपना व्यू भी दिखाऊं। तो ये अच्छा फंक्शन है जी, और कि दोनों कैमरे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और अभी जी मैं जा रहा हूँ उस पुल के ऊपर से जो स्पिलवे का पुल है रावल डैम के, और मेरे राइट साइड पे जो है वो ये साइड जो है ये NHA की नर्सरीज हैं, CDA की नर्सरीज हैं, और यहाँ पे NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और NARC है यहाँ पे। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। और पिछले दिनों जी फिजा था तो पत्ते शत्ते सारे गिर गए थे, तो ये जगह जो है ना वो खाली खाली बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। अब तो जो है वो भर गई है, और बड़ा ही प्यारा जो है इसका व्यू वगैरह लगता है। तो ये रास्ता बड़ा मज़े का है, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है, और ये अगर देख सकें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आ गया है, NIH। बहुत आवाम आती है जी यहाँ भी इलाज के लिए, और ये देखिए ना ये सारी चीज़ें पारव्यू के करीब हैं। अब मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि मेरी वीडियोस जो हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा होती हैं जो लोग बाहर हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि पारव्यू की लोकेशन कैसी है, वो आया कितनी दूर है यहाँ शहर से, और उसका जो है वो कितना टाइम लगता है वहाँ तक आने जाने। तो इसमें जी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रोड है जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं इसका नाम है पार्क रोड, और पार्क रोड के साथ ही चक शहजाद है। चक शहजाद से अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर पे पारव्यू है और 9 किलोमीटर पे बहरिया इनक्लेव है। तो ये जी चक शहजाद का सिग्नल आ गया, इसे कहते हैं जी चक शहजाद का सिग्नल, और अभी जो है वो मैं क्रॉस करने लगा हूँ, उसके बाद मैं लेफ्ट हो जाऊँगा जो कि है पुरी रोड, उसको जिना एवेन्यू भी कहते हैं, पुरी रोड भी कहते हैं। पुरी रोड इस वजह से कि वहाँ पे एक पुरी गांव है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है फेमस है बहुत ज़्यादा। तो
ट्रेल है जी, मैंने यहाँ से जो है वो लेफ्ट होना है और ये मैं लेफ्ट हो गया और लेफ्ट पे भी आप मेरे देख सकते हैं नर्सरीज हैं और राइट पे भी नर्सरीज हैं। बहुत महंगे महंगे पौधे हैं जी नर्सरीज में, करोड़ों के पौधे पड़े हुए हैं यहाँ पे, लोग पसंद करते हैं ये, लगाते हैं अपने घरों में, बड़ा खूबसूरत लगते हैं इस तरह के पौधे जो हैं वो घरों में। तो अभी जी हम जा रहे हैं कुरी रोड के ऊपर और एंटर हो गया हूँ जी मैं कुरी रोड पे और मैं अप टूवर्ड्स हूँ पावियर सिटी के। पावियर सिटी में जी आजकल जो है वो 65 वाली बुकिंग ओवरसीज़ की चल रही है, उसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आ रहा है, ऑलमोस्ट समझे कि बुकिंग सोल्ड आउट हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा और थोड़ी बहुत ही रह गई है। आई होप आप लोग भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं पावियर सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ एज सून एज़ पॉसिबल कॉन्टेक्ट करें ताकि आपको जो है मैं एक अच्छा डिस्काउंट भी दे सकूँ इन बुकिंग्स के ऊपर। तो बाकी जी देखें ये कुरी रोड जो है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, आपको फ्रूट चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, आपको गोश्त चाहिए, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पुरानी ये आबाद जगह है और आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। और ये आगे जो है इनका प्लान है इस रोड को मज़ीद जो है वो एक्सटेंड करने का। अच्छा जी ये देख सकते हैं आप के कुरी रोड पे जो है ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, आप चाहें तो यहाँ से डिलीवरी वगैरह भी करा सकते हैं। अभी भी हमें खाना वगैरह अगर चाहिए हो पारव्यू में तो हम फ़िलहाल यहाँ से डिलीवरी करवा रहे हैं। ये छोटे से बोर्ड आए हैं जी, ओले बेकरी, कैफ़े मकाओ और ज़ू, ये तीनों बोर्ड जो है ये बैरिया इनक्लेव के लगे हुए हैं। और ज़रा मैं अगर नज़र घुमाऊँ तो यहाँ पे मार्ट्स वगैरह और कोयटा कैफ़े, होटल, बैंक्स वगैरह हर चीज़ मौजूद है। आप यहाँ से जो है वो अगर आप पारव्यू में रहते हैं और पारव्यू अभी तक नहीं कमर्शियल वगैरह अगर तैयार तो आप यहाँ से हर चीज़ ले सकती हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है और बहरिया इनक्लेव में अगर आप देखें तो बहरिया इनक्लेव में जो है वो सारी अब तक जो है वो बन चुकी हैं, जिसको कह लें कि वो भी एक ऑप्शन है आपके पास कि आप वहाँ पे जितनी फूड चेन्स हैं मोस्टली वो हैं, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं डिलीवरी, वहाँ जा के खाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और साथ साथ जी यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है जो कि और आपको जो है सबसे नियरेस्ट पेट्रोल पंप पड़ता है ये वाला अटक का। और ये मज़े की चीज़ ये है कि कंपनी ऑपरेटेड है, मैकेनिक्स आपको चाहिए जी मैकेनिक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे और गाड़ियों का काम वगैरह सब कुछ हो जाता है। और ये हम अभी पारव्यू से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, हम बहुत करीब हैं पारव्यू के, तो यहाँ पे जी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं सारी हैं, मतलब दूर जाने की कोई या इस चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है या हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ये पूरी रोड आपको दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। और पारव्यू जी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करने वाला है, इसकी प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर जाएंगी। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन जो 5 मरला है ये करोड़ प्लस चला जाएगा। तो
क्योंकि अगर अभी आप अंदाज़ा लगाएं तो बहरिया इनक्लेव की जो प्राइजेज हैं उनसे पार व्यू की प्राइजेज अभी कम हैं। यहाँ से जी रोड बड़े मज़े की हो जाती है, जो कि पीछे सारा बाज़ार गुजर गया और यहाँ पे जो है वो ओपन एरिया है सारा, ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे गांव आते हैं जी रास्ते में जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बड़ी ही मज़ेदार एक चीज़ बन जाती है और एनवायरनमेंट बन जाता है। ये आप देख सकते हैं ये फ्रेश बिल्कुल सब्जियाँ यहाँ की लोगों की अपने खेतों की हैं जो वो बेच रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। और ये पेट्रोल पंप है जी, नियरेस्ट जो पेट्रोल पंप है अटक का, और ये कंपनी ऑपरेटेड है। चलो जी अब रोड खुल गया और हम लोग जो है अब स्पीडो स्पीड जाएंगे टुवर्ड्स पार्क व्यू। पार्क व्यू की एडवर्टाइजमेंट जी पूरी रोड पे जैसे ही हम टर्न करते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये सामने भी आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा पार्क व्यू का, जी हम यहाँ से टर्न कर गए हैं। एक्चुअली रोड अपने आप ही यहाँ पे टर्न करती है और अब ये सीधा पार्क हो जाती है। डबल रोड, ओपन रोड, भगाओ गाड़ी, मजेदार रोड। साइडों पे ओपन एरिया खेत की, बहुत ही खूबसूरत व्यू, पीछे पहाड़ों का व्यू, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे राइट लेफ्ट दोनों तरफ खेत हैं। बहरिया इनक्लेव में तो जी बहुत आबादी हो गई है, बहुत लोगों ने जो है वो घर वगैरह अपने बना लिए हैं वहाँ पे, और इंशाल्लाह जल्द ही पार्क व्यू भी आबाद हो जाएगा उसी तरह। एक्चुअली बहरिया इनक्लेव को जी ज़्यादा टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा सबको डेवलपमेंट करते हुए, पार्क व्यू का भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो पार्क व्यू को में भी जिस तरह आप एच ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में घर बन रहे हैं तो ये भी बहुत जल्द आबाद हो जाएगा सारा। और डेफिनेटली उसके बाद जो है वो ओवरसीज़ गोल्फ जे ब्लॉक इनकी बारी है गुंजान आबाद होने की, और बहुत ही जल्द ये भी सारे जो हैं बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएंगे। तो बड़ा देसी माहौल जी यहाँ पर मिलता है लोगों को, और पार्क व्यू भी डेफिनेटली जो रहेगा वो भी इस सारे माहौल से लुत्फानंदोज होगा। ये ले जी अब हम पार्क व्यू में एंटर होने लगे हैं। पार्कव्यू में ऑलमोस्ट हम उस रोड पर एंटर हो गए हैं जो पार्कव्यू की है, लेकिन जो सोसाइटी शुरू होती है वो आगे से जाके होती है, वो यहाँ से नहीं होती है। ये 200 फुट का रोड बनाया हुआ है पार्कव्यू ने जो इंतहाई खूबसूरत है और बहुत ही खुला रोड बनाया है।
इस रोड पे जी गाड़ी ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। खुला रोड है और बहुत मज़ा आता है इस रोड पे गाड़ी ड्राइव करने का। ये ले जी, अब हम जो है वो पार्क व्यू सिटी में एंटर होने लगे हैं और यहाँ से जो है द पार्क व्यू सिटी की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है इस जगह से जहाँ पे ये बैरियर लगे हुए हैं। और घुसते ही आपको जो है ना वो खूबसूरत मंजर नजर आते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही आपको कमर्शियल के नज़ारे, अच्छा जी इस पूरी वीडियो में जी एक दो कट हैं और वो कुछ सेकंड्स के हैं, तो बाकी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको रावल डैम से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है। इस वीडियो से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको रास्ते में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या कुछ होता है, और आप आते हुए बोर नहीं होंगे। बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है और बड़ा ही मज़ेदार रास्ता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इस टाइम पार्क व्यू सिटी में कमल इंटरप्राइजेस पे पहुँच चुका हूँ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।